रविंद्र कौशिक ने क्या बताया था अपने आखिरी पत्र में? रविंद्र कौशिक को क्यों कहा गया है ब्लैक टाइगर? क्या पहले भी बन चुकी है रविंद्र कौशिक पर फिल्म? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बेस्ट इंडियन स्पाई रविंद्र कौशिक को 16 साल तक पाकिस्तान की अलग अलग जेल में रखा और टॉर्चर किया गया। इन 16 सालों में रविंद्र को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान रविंद्र ने इंडिया में अपने परिवार को कई सारे लेटर भी लिखे, मगर वो लेटर भेजने में नाकामयाब रहे। एक बार बड़ी मुश्किल से वो लेटर भेज पाए थे, जिसमें उन्होंने अपनी खराब तबीयत और पाकिस्तान जेल में उनके साथ क्या क्या होता है इसके बारे में बताया था। साथ में उन्होंने ये भी लिखा था कि क्या हिंदुस्तान जैसे बड़े देश के लिए कुछ करने वालों को यही हाल होता है। रविंद्र कौशिक को 23 साल की उम्र में ही पाकिस्तान भेज दिया गया था, जिसके पहले उन्हें 2 साल तक दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें उर्दू सिखाई गई थी, इस्लाम के बारे में बताया गया। उन्होंने पाकिस्तानी कॉलेज से LLB किया, फिर वो पाकिस्तानी आर्मी में मेजर बन गए। जल्द ही उन्हें प्रमोशन भी मिल गया। रविंद्र ने वहां के एक बड़े मेजर की बेटी अमानत से शादी कर ली। रविंद्र कौशिक ने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने इंडिया को कई लड़ाइयों से भी बचाया। रविंद्र कौशिक को आज तक का सबसे स्मार्ट और बहादुर स्पाई माना गया है, इसलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर कहा था। बॉलीवुड ने भी कई बार इंडियन स्पाई की स्टोरीज को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। रोमियो अकबर वॉल्टर में जॉन को अलग अलग किरदार में दिखाया है। इंडियन स्पाई पर बनी मूवीज का ऑडियंस रिस्पॉन्स एवरेज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एवरेज ही रह जाता है। खबर ये भी आई थी कि सलमान खान की एक था टाइगर रविंद्र कौशिक की बायोपिक है, मगर ऐसा नहीं है। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने 5 साल तक रविंद्र कौशिक के जीवन को ठीक से समझा है, ताकि वो ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा रियलिटी दिखा पाए। अभी इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि सलमान का स्केड्यूल अभी काफी बिजी है और वो एक साथ कई स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप ये मूवी कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।